नमस्ते बाल दोस्तों, मैं पूनम राठौड़ वासुदेव स्कूल ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी द्वितीय सत्र कक्षा 7। चलो मित्रों, आज हम देखेंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 दिया गया है, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना ये पार्ट इकाई है आपका, आपकी जो वो इकाई दी गई है उसका शीर्षक है, नाम है अंदाज अपना अपना। तो हम आगे देखेंगे, किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन किसको कहते हैं हम, तो कि किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना, तर्क लगा के सोचना, उसके हर मुद्दे को सोचना, चिंतन करना, मनन करना और अपनी बात को प्रकट करना, उसे तार्किक चिंतन कहते हैं। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक अभिगम पर व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। अपने दिमाग में जो आए वो कहना, अपने आप कहना, अपने अंदाज में कहना, इसलिए तो इकाई का नाम है अंदाज अपना अपना। वो एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताओं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। मुक्त चिंतन, मुक्त चिंतन यानी कि हम अपने विचार प्रकट कर सके ऐसा चिंतन। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण, हर बात को अपने दृष्टिकोण से देखने की जो माहिती है उसको पृथक्करण करने के लिए, पृथक्करण यानी माहिती का सब माहिती का अलग अलग मुद्दों में देखने के लिए और माहिती की सत्यता को पहुँच कर निर्णय ले सकता है तार्किक चिंतन करने से। आगे देखते हैं, प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विचार विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। हमें यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं अभ्यास के लिए कि आपकी तार्किक चिंतन के विचार विस्तार हो, विकास विस्तार हो आपकी सोच का, आपकी तार्किक चिंतन करने से आपकी सोच का विचार विस्तार हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, अलग अलग किस्से दिए गए हैं। तो हम आज यह देखेंगे, पहले तो मैं पढ़ूंगी और आप लोग इस पर तर्क करना, आप पढ़ने के बाद विचार करना, तर्क करना और तर्क देकर आपको जवाब देना है। तो चलो आगे देखते हैं, दिमागी डोर, यहाँ पे एक शीर्षक दिया गया है और नीचे पैराग्राफ दिया गया है, दिमागी डोर। भावेश भाई वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई जो व्यक्ति है एक वो वकील है, वकील का व्यवसाय करते हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। तीन लोगों का परिवार है। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। छोटे परिवार में सभी लोगों की जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती और सुख का आधार होता है, ऐसा कहा गया है। उनका जीवन भी खुशहाल था, ये भावेश भाई और उसके परिवार का जीवन भी खुशहाल था, खुशी खुशी वो लोग रहते थे, कोई बात की कमी नहीं थी। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। दीपावली की जब छुट्टी थी वो तीनों लोग घूमने के लिए अंबाजी गए, चार जहाँ पे अंबा माता का मंदिर आया है। चार दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। वो लोग जब वापस आए अंबाजी से तो घर को देखकर चौंक गए, अपना बाग बगीचा देखकर चौंक गए। क्यों? उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। क्या देखा उन्होंने कि चौंक गए, तो कि उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे लगाए हैं बगीचे में उसके फूल पत्ते झड़ गए हैं, गिर गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था और घर के अंदर भी यही परिस्थिति थी, पूरा कमरा था वो धूल से खराब हो गया था, धूल गिरी हुई थी पूरे कमरे में। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीर भी नीचे गिर गई थी, दीवार पर टांगी हुई तस्वीर थी व्रज और लीना की, वो भी गिर गई थी और टूट गई थी, गिरने की वजह से टूट गई थी। तो मित्रों सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि वो लोग चार दिन बाहर गए, घर के बाहर घूमने के लिए अंबाजी गए, तो
वापस आने पर वो चौंक गए और पेड़ पौधे, उसका जो बगीचा था उसके पेड़ पौधे भी झड़ गए थे। घर के अंदर पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। धूल मिट्टी से पूरा कमरा खराब हो गया था। दीवार पर जो तस्वीरें टांगी थी वो तस्वीरें भी गिर गई थी और टूट गई थी। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो आप सबको यह तर्क लगाना है। चलो अब आप लोग अपने अपने विचार रजू करिए, मन में सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसा सब हुआ। तो इसके कई सोच हो सकते हैं ना, कई विचार हो सकते हैं। आपके मन में क्या सोच आती है, आप अपने अंदाज में, ये इकाई का नाम ही ऐसा है, अंदाज अपना अपना। तो आप सब लोग अपने ही अंदाज में विचारिए, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा ऐसा कि बाग बगीचा अस्त व्यस्त हो गया, घर भी अस्त व्यस्त हो गया 4 दिन में, बराबर। तो आप लोग सब विचार करिए, अपना तर्क निकालिए अपने विचार में। आप हमारी ये मानसिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि तर्क करना व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया है। तो आप सब लोग विचारिए और बाद में अपना विचार है वो आपकी बुक में लिखिए कि ये क्या हुआ होगा। तो देखो आपको कहा गया है, नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्या हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अक्लमन हैं। और वो तीनों लोग थे, भावेश भाई, उसकी पत्नी लीना और पुत्र व्रज, उसको पता नहीं चला, वो सोच नहीं पाए, बराबर समझ नहीं पाए कि क्या हुआ होगा। तो आप लोग तो बड़े अक्लमंद हैं, तो आपको ये काम दिया गया है, आप ही उन्हें बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उसका पूरा घर है, उसका बाग बगीचा है, वो सब ऐसे अस्त व्यस्त हो गया है। तो चलो आप तर्क लगाओ, आप अपनी अंदाज में, अपने विचार में आप लोग तर्क लगाओ। आपको अक्लमंद कहा गया है, आप बड़े अक्लमंद हो, वो लोग समझ नहीं पाए कि उसके घर में क्या हुआ था। तो आपको तर्क लगना है, आप सबको विचारना है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसा हो गया। तो चलो आप सब लोग तर्क लगाओ, बाद में मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलो मित्रों, आपने भी आप अपने तरीके से तर्क लगाए होंगे ना। हाँ, तो यहाँ हम कई तरह के तर्क लगा रहे हैं, विचारे हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पहला तो हम जोए पहला तर्क कि भावेश भाई के घर की हालत देखता लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी, तूफान आया होगा, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वेंटिलेशन से हवा के साथ साथ धूल भी घर में आई होगी, भूकंप का हल्का झटका आया होगा, ये सब तर्क लगाना है हमने। खिड़की खुली रह गई, वो लोग जब जा रहे थे तो फटाफट जा रहे होंगे, तो उसकी वजह से भूल में खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाज़ा खुला रह गया होगा, ये भी एक तर्क है ना। हमें तो तर्क ही लगाना है क्या हुआ होगा। तो दरवाज़ा भी खुला रह गया हो गया, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, एक ये तर्क भी है कि ऐसा ही बना होगा कि चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। और एक ऐसा है सातवां तर्क, बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होती, बड़े बड़े चूहे होंगे उसने अंदर घर में घुसकर शरारत की होती और सब वस्तु है घर की वो खराब कर दी होगी। तो ये हमारे तर्क हुए। तो आपको भी ऐसे अलग अलग तर्क निकालने हैं, आप सबने निकाले होंगे। तो आपने जो तर्क निकाला है, आपने जो विचार किया है, वो आपकी बुक में लिखना है, बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो आज आप लोगों ने देखा कि अंदाज अपना अपना, हमने एक यह दिमागी दौड़ वाला जो पैराग्राफ है वो देखा और आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपका होमवर्क ऐसा है कि आपको भी ऐसे तर्क वाले किस्से सुनने होंगे और उसका तर्क अपने आप निकालना होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, अस्तु।